तो जाते जाते तो एक चीज सिखा गए हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए हार नहीं मानना है, आप उस चीज को ट्राई करो, ऐसा तो क्या हो गया, फेल हो जाओगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, और आई एम श्योर आप लोग भी देखना पसंद करोगे। आप में से बहुत सारे लोग, मैं इधर 8 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हो कि भाई आप जेट एयरवेज से रिलेटेड अपडेट दो, आखिर जेट एयरवेज का जो अपडेट है वो कहाँ तक पहुंचा है और क्या कुछ हो रहा है। तो अकाशा एयरवेज का न्यूज तो आप लोग को मिल गया होगा, बहुत वायरल भी हो रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाया है, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अकाशा एयर। तो जी हाँ, अकाशा का जो ऑपरेशन है अकाशा एयर का वो स्टार्ट हो चुका है, जो इसका मेन बेस है वो मुंबई में है, और जो इसका फर्स्ट फ्लाइट था वो मुंबई टू अहमदाबाद था। मैं इसके ऊपर एक डीप वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल अकाशा एयरवेज का ऑपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, और एक सैड न्यूज ये है अकाशा एयरवेज की तरफ से, तो जैसे ही अकाशा एयरवेज लॉन्च हुआ उसके तुरंत बाद, उसके कुछ दिन बाद, जो अकाशा एयरवेज के ऑनर थे राकेश झुंझुनवाला, जिनका सबसे ज्यादा शेयर था अकाशा एयरवेज में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम में डेथ हो गया। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी रहे वो खुश रहे, वो जिस टाइप के इंसान थे वो अकाशा एयरवेज के लॉन्च में भी आए थे, और अपना जो दिल का बात है तो जाते जाते तो एक चीज सिखा गए कि किसी भी चीज को करने के लिए हार नहीं मानना है, आप उस चीज को ट्राई करो, ऐसा तो क्या हो गया, फेल हो जाओगे, तो फेलियर के लिए रेडी होना है। तो ये हम लोग को सिखा गए हैं, और उनका जो प्यार था एविएशन को लेकर, अकाशा एयरवेज को लेकर, वो उनके स्पीच से, उनके बोलने का तरीका से काफी हद तक जाहिर हो रहा था। बट गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज से रिलेटेड अपडेट के बारे में, आखिर जेट एयरवेज के साथ अभी क्या कुछ हो रहा है। आप लोगों को पता ही है कि जेट एयरवेज 2019 में, जिनको पता नहीं है वो जान लो, जो नए देख रहे हो, 2019 में जेट एयरवेज ग्राउंड हो गया था, और ग्राउंड होने के पीछे जो रीजन था वो बैंककरप्टसी और फंड ना होना, ये इसका रीजन था। और उसके बाद जेट एयरवेज लगातार स्ट्रगल कर रही थी अपने न्यू ऑनर को ढूंढने के लिए, तो फाइनली जलान कैलरो कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज को खरीदा, उसका टेस्ट फ्लाइट हुआ, उसका प्रूविंग फ्लाइट हुआ, सारा कुछ क्लियर होने के बाद जेट एयरवेज को फाइनल परमिशन दे दिया गया, जेट एयरवेज को लाइसेंस दे दिया गया, डीजीसीए की तरफ से एओपी दे दिया गया, एयर ऑपरेटर परमिट किया, जेट एयरवेज को फ्लाइट है उसको ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन जेट एयरवेज अभी फ्लाइट अपना ऑपरेट नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पास ना भी मैन पावर नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में जितने बंदे चाहिए, जितने स्टाफ चाहिए, उतने स्टाफ नहीं है। तो फिलहाल हर एक डिपार्टमेंट में उसका वैकेंसी आना शुरू हो गया है, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगा, हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है। जेट एयरवेज ने कुछ ट्वीट किया है, तो क्या कुछ वो ट्वीट है आइए समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है जेट एयरवेज की तरफ से। जेट एयरवेज ने ये कहा है, मीट आवर फर्स्ट बैच ऑफ वंडरफुल एंड एक्सपीरियंस केबिन क्रू दैट स्टार्टेड सर्विस ट्रेनिंग टुडे। जी हाँ गाइस, जेट एयरवेज का जो जितने भी सेट ऑफ, तो जितने भी फर्स्ट बैच में जेट एयरवेज का केबिन क्रू हायर किया गया था, उनका सर्विस ट्रेनिंग यानी कि जो रियल में जो एटमॉस्फेयर होता है ट्रेनिंग का केबिन क्रू के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। ओवर हाफ आर फॉर्मर जेट क्रू, आधा से ज्यादा वो जेट के ही क्रू है, तो ये काफी जेट एयरवेज के लिए काफी सही चीज है, उसी कल्चर में ग्रो हुए हुए केबिन क्रू उनको मिल गया, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एंड ऑल आर गेटिंग रेडी टू ब्रिंग द जॉय ऑफ फ्लाइंग बैक टू द स्काईज इवन बेटर देन बिफोर। तो जितने भी केबिन क्रू हैं उनको ट्रेनिंग के बाद काफी अच्छे से रेडी कर दिया जाएगा कि जॉय ऑफ फ्लाइंग फिर से मिल सके, और पहले से ज्यादा बेटर तरीके से जॉय ऑफ फ्लाइंग है जो जेट एयरवेज है वो दे सके। तो ये था केबिन क्रू से रिलेटेड न्यूज। बट गाइस, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाला है, और पायलट डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी जेट एयरवेज ने ट्विटर पे ही ट्वीट करके जो अपना वैकेंसी है उसको आउट कर दिया था, और कुछ दिन पहले मेंटेनेंस एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी, लेकिन वो हायर लेवल का था वो वैकेंसी आया, लेकिन अभी जूनियर टेक्नीशियन टेक्नीशियन लेवल का वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है, आपको पेशेंस रखना है। तो फिलहाल के लिए और कुछ खास उतना अपडेट नहीं है जेट एयरवेज से रिलेटेड, बट जो भी अपडेट आएगा उसके लिए आप निश्चिंत रहो, आपको बस करना ये है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको जेट एयरवेज से रिलेटेड, अकाशा से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। सो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। और गाइज, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट होता है, मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, एंड कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं एमी सीरीज भी अभी ला रहा हूँ इस चैनल पे, तो एमी सीरीज का एपिसोड 6 आने वाला है, तो वो भी आप देखना। जो अपना कमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप पूछ लेना, बिकॉज वहीं से मैं पिक करता हूँ क्वेश्चन, तो फटाफट जाओ और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछो। चलिए मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी, सी यू, जय हिंद।